इंदौर जिले के चंद्रावतीगंज में नए पुलिस थाना भवन का लोकार्पण किया है। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और क्षेत्रीय विधायक तुलसीराम सिलावट साबिर विधानसभा के ग्राम चंद्रावतीगंज पहुंचे, जहां उन्होंने 1,90,00,000 रुपए की लागत से बनी थाना भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सिलावट ने कहा कि नए थाने के साथ ही यहां पर पुलिस बल भी बढ़ाया जाएगा। मंत्री सिलावट ने कहा कि जल्द ही विद्यार्थियों को नए कॉलेज की सौगात मिलेगी, ताकि यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए इंदौर या उज्जैन नहीं जाना पड़े। अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक आ गए तो सिंधिया जी ने कमलनाथ जी से बात की, अन्नदाताओं के साथ अन्याय मैं नहीं होने दूंगा, हमारे राष्ट्र के भविष्य के विश्वास जो ऊर्जा देश का भविष्य है, युवाओं के साथ धोखा नहीं होने दूंगा और बेटी का सम्मान कम नहीं होने दूंगा। तो आप क्या करोगे? सिंधिया जी ने कहा मैं मेरे मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए, मेरी बेटी के सम्मान के लिए, मेरे मध्य प्रदेश के भविष्य युवाओं के लिए सड़क पर उतरूंगा। कमलनाथ जी ने कल उतरते हो तो आज उतर जाओ, यही बात थी ना। वो भूल गए कि ये राजमाता का पोता है। किसका पोता है शंकर? वो तो सड़क पर उतर गया, पूरी सरकार को सड़क पर उतार दिया। और उस सड़क पर उतारने में सिंधिया जी के नेतृत्व में सामेर की भी भूमिका थी ना। मैंने इस्तीफा कांग्रेस छोड़ी, विधायक पद छोड़ा, मंत्री पद छोड़ा, उधर भी देश का मध्य प्रदेश सबसे चर्चित मंत्री, मिलावट के खिलाफ सिलावट, शुद्धि के लिए युद्ध, पूरे देश में चर्चित था। पर मैंने अन्नदाताओं से बढ़कर, मेरे बेटे से बढ़कर, मेरी कार्यक्रम पूजन कार्यक्रम में हम सबके बीच में मध्य प्रदेश का नाम पूरे भारत में गौरवान्वित करने वाले और मध्य प्रदेश के सबके सबसे उत्कृष्ट संसदीय कार्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नर्मदा पुत्र हम सबके हमारे अपने आदरणीय कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट जी का जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम सब स्वागत करेंगे। साथ में भारतीय जनता पार्टी जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय भारत सिंह जिलाई जी, जिले के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय अंतरदयाल जी, पुलिस प्रशासन से उपस्थित आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय एडिशनल एसपी साहब, आदरणीय हमारे एसडीओपी भदौरिया जी, यहाँ के थाना प्रभारी महोदय आदरणीय महेश भदौरिया जी, मुकेश खंडेलवाल जी, आदरणीय रतन माहेश्वरी जी, ओटलोक के हमारे सरपंच साहब आदरणीय शेखर ठाकुर जी, पूर्व सरपंच साहब आदरणीय हमारे मनोज ठाकुर जी, पूर्व सरपंच साहब आदरणीय शेलू छाजेड़ जी, और मेरा हमेशा 24 घंटे सातों दिन साथ देने वाले मेरे बड़े भाई सोनू देसाई जी, आदरणीय प्रेम आंजना जी, आदरणीय मधुसूदन जी, कालू भैया, आदरणीय भैरू सिंह जी, सुनील भैया, मुकेश भैया, सुमित आंजना जी, गजेन भैया, आदरणीय बहुत ही वरिष्ठ नेता हम सबके मार्गदर्शक क्षीर सागर जी, और रविदास समाज से हमारे बीच में उपस्थित सभी समाज के उनके अध्यक्ष, सभी समाजजन, मुन्नी भाई, और सभी का बहुत बहुत जिला पंचायत भैया स्वास्थ्य खराब है इसके लिए थोड़ा सा जिला पंचायत के हमारे बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष कर्मठ आदरणीय सतीश मालवी जी, और बहुत ही सरल और सहज पूरी यात्रा में अभी सुबह से हमारे साथ में ऐसे हमारे जनपद के अध्यक्ष आदरणीय मानसिंह जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत उनका स्वागत। और माफी चाहता हूं कि मैं आज बहुत ही बड़ी इस सावेर और हमारे चंद्रावतीगंज के लिए एक सौगात का विषय है कि जो नवनिर्मित थाना है, जैसा कि अभी जिन्होंने जिस एजेंसी ने हमको अभी मार्गदर्शन किया कि इस तरह का थाना पूरी सावेर विधानसभा में कहीं नहीं होगा जो हमारे चंद्रावतीगंज में, तो निश्चित ही हमारे लिए बहुत ही बड़ी धरोहर है। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री तुलसीराम जी सिलावट जी ने जो आज से 2.5 साल पहले उपचुनाव के समय चंद्रावतीगंज में हमने जो जो वादे करे थे उसमें 99% वादे माननीय मंत्री जी
के द्वारा पूरे कर लिए गए। सर जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। थाने के लिए यहाँ की जो चंद्रावतीगंज की हमारी जो पूरी टीम है, सोनू भैया, आदरणीय मनोज ठाकुर जी, गजेन मामा जी, पूरा जो पूरी टीम है जिन्होंने इतनी अच्छी जगह इस थाने के लिए उपलब्ध करवाई और रखी, उसके लिए वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र है। और रविदास समाज की उपचुनाव के समय एक माहौल बना दिया था कि भैया ने गंगा जी उठाई है, माँ नर्मदा जी को हाथ में लिया था और बोला था कि हम संत शिरोमणि रविदास जी का सामुदायिक भवन बनाएंगे, और लोग अफवाह फैला रहे थे, तो वो सौगात भी माननीय मंत्री जी ने आज आपको दी है। इसके लिए उनका माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आप सभी यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। सावेर से अरविंद पटेल की रिपोर्ट।